हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है लोगों में, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पे कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो होल्डिंग पीरियड समझ ना जरूरी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 12 महीनों से कम का निवेश रखा और फिर मुनाफे में बेचा, तो उस मुनाफे पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होता है। अब वही होल्डिंग पीरियड 12 महीनों के ऊपर का है, तो म्यूचुअल फंड्स को बेचते समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होता है। एक एग्जांपल दूं तो राम ने जनवरी में 5 लाख का निवेश किया और जून में वही इन्वेस्टमेंट उसे बेचनी पड़ी किसी इमरजेंसी के कारण। अब वो थोड़ा लकी था और उसे 10,000 का मुनाफा हुआ, तो इस मुनाफे पे उसे 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, यानी 1,500 रुपयों का, एस ये निवेश 12 महीनों से कम का था। अब गोपाल ने सेम अमाउंट 2018 में निवेश किया और 5 सालों बाद 2023 में इस इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो उसे मिले करीब 9,12% रिटर्न के हिसाब से, यानी 4 लाख का मुनाफा। अब इन पैसों पे उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, लेकिन साल भर में पहले 1 लाख का कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। सो अब गोपाल को 3 लाख पे फ्लैट 10% का टैक्स देना होगा, यानी 30,000 रुपीज। सो इन शॉर्ट, गोपाल ने 4 लाख के मुनाफे पे भरा बस 30,000 का टैक्स, जो इफेक्टिवली 7.5% ही होता है, और गोपाल का इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हुआ 11.71% टैक्स भरने के बाद। अब ये तो हुआ लमसम का एग्जाम्पल। अब समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी वाले टैक्सेशन के एग्जाम्पल को, और आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो के डिजिटल पार्टनर है एड्यू एविनार। वेबसाइट बनवाने या किसी भी प्रकार की डिजिटल रिक्वायरमेंट के लिए विजिट कीजिए नीचे दी गई वेबसाइट पे। राम हर महीने एसआईपी करता है 20,000 की। जनवरी और फरवरी में एसआईपी किए हुए पैसों को राम ने अगले साल जनवरी में बेच दिया, तो अब जनवरी में निवेश किए हुए पैसों पे होने वाले मुनाफे पे राम कोई टैक्स नहीं भरेगा, एज पहले 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ है, लेकिन फेब में निवेश किए हुए पैसों पे होने वाले मुनाफे को शॉर्ट टर्म गेन माना जाएगा, एज ये 12 महीनों से कम का निवेश हुआ और उसे 15% टैक्स देना होगा। सो इन शॉर्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का निवेश हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, तो रिस्क भी कम हो जाता है, रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं, और आपका निवेश टैक्स एफिशिएंट भी हो जाता है। एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स। मेरा दोस्त शुभजीत डॉक्टर है, अब ना स्कूल में या कॉलेज में, ना ही उसकी MBBS या MD के पढ़ाई के वक्त उसे पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? शुभजीत की मंथली इनकम 3 से 4 लाख है, लेकिन वो इन्वेस्ट करता है महीने के बस 10,000। ऐसा क्यों? शुभजीत ने डिग्री हासिल करते ही अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक शानदार कार खरीद ली। डॉक्टर है, अब पेशेंट्स को लगना चाहिए कि डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं। समय चलते बिना प्लानिंग के घर ले लिया लोन पे, वो भी 4 बेडरूम। अब लोन चलेगी 15 सालों तक। घर में शानदार इंटीरियर करवा लिया। सिचुएशन ऐसी है कि 3 लाख की इनकम में से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और घूमने फिरने और घर चलाने का खर्चा 2.5 लाख हो जाता है। अब डॉक्टर शुभजीत के माता पिता भी उस पे डिपेंड करते हैं। दुनिया वालों के लिए शुभजीत बहुत अमीर है, लेकिन पैसों को लेकर रोज उसके घर आर्ग्यूमेंट्स होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच।
कई बार उसके मन में सुसाइड करने का ख्याल आता है इन परेशानियों के कारण। दोस्तों ये कहानी रियल केस स्टडी पे बेस्ड है। डॉक्टर साहब पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट के शिकार है। ये मैटर नहीं करता इंसान कितना कमा रहा है, लेकिन कितना बचा रहा है इंसान ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके शुभजीत अपनी गाड़ी तक को मेंटेन नहीं कर पाएगा। पैसिव इनकम तो बहुत दूर की बात है। वहां शुभजीत के स्कूल का दोस्त पार्था इंजीनियर है, लेकिन उसने अपने गोल्स और फाइनेंसेस प्लान करवाए हैं अपने सीएफपी के साथ बैठ करके। शुभजीत से आधी इनकम होने के बावजूद वो महीने के 30,000 निवेश करता है। अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी नहीं जीता, बस प्लान करके बैलेंस्ड जिंदगी जीता है स्ट्रेस फ्री होके। अब क्या लगता है आपको, किसका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर्ड है, डॉक्टर शुभजीत या इंजीनियर पार्था का? कमेंट कीजिए अपने जवाब, मुझे मोटिवेट कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, सो मैं और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं। शेयर कीजिए ये वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पे, तो लोगों को इक्विटी म्यूचुअल फंड के टैक्स को लेकर कंफ्यूजन दूर होगा। और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको मेरे वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो हर संडे होता है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।